जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ कि ये धंधे मैं जो कर रहा हूँ अभी, ये गाली खाने वाले ही कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे को ये वीडियो बनानी थी, तो हियर इट इज। नाउ डिस्क्लेमर, अगर आप टेक्नो गेमर्स की पब्लिक हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके गालियाँ लिखने से पहले और इस वीडियो को डिसलाइक करने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम लोगों के प्यारे प्यारे टेक्नो गेमर्स के ऊपर रोस्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फनी सा वीडियो बना रहा हूँ कि अगर मैं टेक्नो गेमर्स ये गेम खेलता तो कैसे खेलता। और अगर आप लोग मेरी पब्लिक से हो तो आप भी नीचे गाली मत लिखो, डिसलाइक मत करो, मैं ऐसा क्रिंजी कंटेंट फिर एटलीस्ट आगे के फ्यूचर में एटलीस्ट एक दो वीक के अंदर अंदर बनाने का तो नहीं सोच रहा हूँ, आई गेस मे बी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वी नीड अ गेम एंड उसके बाद एक स्कूटर और एक प्लेयर। अभी भी कुछ मिसिंग है यार, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है? यप, फेस कैम। और नाउ उसका इंट्रो चाहिए हमें। हाउ डज ए इंट्रो? मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया इंट्रो उसका, सो लेट्स ट्राई। यो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आप सभी का प्यारा होस्ट और दोस्त एमा कैच। नहीं, वो नहीं। एक और ट्राई। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू, ओके इस बार आ जाएगा। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू, नहीं यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। वॉज दैट राइट? आई डोंट नो। लेट एक 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 फाइनल ट्राई। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। नाउ अभी किसकी चीज बारी? और मतलब अभी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे प्यारे से टेक्नो गेमर्स की तरह कमेंट्री, या कमेंट्री देनी है हमें अभी टेक्नो गेमर्स की तरह। मेरे से ठीक से नहीं होने वाले, ठीक है, बट फिर भी लेट्स ट्राई इट, एक बार ट्राई करता हूँ मैं। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं GTA VC, और GTA VC GTA 5 से भी पुराना गेम है, और आप लोगों से बहुत सारे लोग जब छोटे थे तभी ये गेम खेलते हो गए। यस यार, तो चलो ये गेम खेलते हैं यार, बहुत ही मजा आने वाला है। और ये इस गेम में अंडर वाटर माफिया नहीं होता है, और वे नहीं होता है। नहीं कर सकता। तो गाइस आज हम खेल रहे हैं GTA VC, यस GTA VC खेलने वाला है, GTA VC। कैसे करता है भाई टेक्नो। टेक्नो गेमर्स की तरह वाइस सिटी खेलने का एक और स्टेप अभी नेक्स्ट ये है कि हमें ये प्रिटेंड करना है। हे, कैन यू शट अप प्लीज। हमें ये प्रिटेंड करना है कि ये स्टोरी जो चल रही है ये फेक है। हमें अपनी खुद की स्टोरी, घर की स्टोरी डालनी है यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई दैट। ओके यार, तो यहाँ पे ये लोग अभी क्या बात कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका टॉमी का दोस्त है उसने इसे ये गाड़ी फ्री में दे दी है, इसे गिफ्ट दिया, और टॉमी ये गाड़ी लेके बहुत ही खुश है, और टॉमी ये गाड़ी अपनी लेके अपने होटल वालों को दिखाने चाहता है। और टॉमी यहाँ पे एक गाड़ी एक बार दिखा देगा, उसके बाद टॉमी चाहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, ये कैसे वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओके तो गाइस ये गाड़ी बहुत ही मस्त है यार, ये गाड़ी मतलब इतनी स्लीप खाती है, मेरी लैम्बॉर्गिनी नहीं खाती थी इतनी। क्या है, व्हाट इज दिस? ओके तो यार ये पहुंच गया है यहाँ पे टॉमी यहाँ पे पहुंच गया है, और टॉमी अभी दरवाजा खोल के नीचे उतरना चाहता है, और उतर के ये अपनी होटल के अंदर जाके अभी सब लोगों को दिखाएगा कि इसे ये जो अपने दोस्त ने गाड़ी दी है वो कितनी मस्त है। व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ। ओके गाइस, तो अभी टॉमी को है ना अपने दोस्त का फोन आया था कि यार टॉमी तू जल्दी से आ जा, मेरे को यहाँ पे तेरा काम पड़ा है, तू जल्दी से आ जा यार। तो टॉमी अभी बहुत ही तेज़ी से जा रहा है, और टॉमी इतनी तेज़ी से जा रहा है कि रुक जा तू, मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी। और फिर हाँ टॉमी कुछ कर रहा है, और ये टॉमी बहुत ही तेज़ी से यार पहुँच गया है यहाँ पे, और बहुत ही तेज़ी से अभी मिशन स्टार्ट कर रहा है, और अभी हमें पता चलेगा कि उसके दोस्त ने उसे क्यों बुलाया था। ओके
तो अभी उसके दोस्त ने उसे ऐसा बोला है कि यार तुझे जल्दी से यहाँ पे आना होगा क्योंकि तुझे एक पार्टी के लिए इनविटेशन मिला है। तो अभी टॉमी को जाके एक अच्छा सा सूट खरीदना है अपने लिए और वो सूट पहन के यार उसे एक पार्टी में जाना है क्योंकि पार्टी के अंदर सब लोग सूट पहन के आएंगे तो टॉमी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके पास पैसे नहीं है। तो अभी टॉमी एक कपड़े लेगा और उसके दोस्त ने उसे एक फ्री में सूट दिया है तो टॉमी अभी वो पहनने जा रहा है। और यहाँ पे ये टॉमी के दोस्त ने जो उसे सूट दिया था वो पहन के अभी टॉमी बहुत ही तैयार हो गया है और अभी ये बाइक चोरी करने का सोच रहा है क्योंकि ये बाइक जो है ये पार्टी में अगर टॉमी लेके जाता है तो उसकी इंप्रेशन बहुत ही अच्छी पड़ेगी। यस ओके यार, तो टॉमी अभी पार्टी की जगह पे पहुंच गया है और पार्टी में सब लोग बहुत मज़े कर रहे हैं और टॉमी को अभी है ना इस लड़की को लेके जाना है और इसे ड्रॉप करना है क्योंकि इसके पापा जो है उनके पापा ने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करा था और अभी ये लड़की को अगर हम रखने नहीं जाते हैं तो उसके पापा नाराज़ हो जाएंगे और टॉमी को फिर से कभी भी इनवाइट नहीं करेंगे पार्टी के अंदर। तो यार हमें जाना पड़ेगा अभी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यार ये गाड़ी बहुत ही तेज़ है बट मेरी लैम्बॉर्गिनी एक्वा के जितनी तेज़ नहीं है यार, ये गाड़ी बहुत ही स्लो है ये गाड़ी और ये गाड़ी स्लिप भी बहुत मारती है तो मेरे को उतनी पसंद नहीं आ रही है। बट अभी क्या करें, ये लेके जाना है हमें। और ये अच्छी बात थी कि इस लड़की को बहुत दूर नहीं जाना था तो हमें बहुत ही गाड़ी चलानी नहीं पड़ेगी। हाँ मैं ऐसे कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ, व्हाई? ये मेरे भाई टेक्नो कैसे करते हो तुम ये कमेंट्री? हाँ करते कैसे हो? ओके यार, तो अभी मिशन पास हो गया तो $100 मिले। अभी ये पता नहीं है कि टॉमी को $100 वो लड़की ने दिए कि लड़की ने पापा ने दिए, बट यार सिर्फ इतनी छोटी सी राइड के लिए $100, मतलब टॉमी अभी सोच रहा होगा कि उसे टैक्सी चलाने चारों को देनी। ओके तो अभी अंकल की लड़की को ये टॉमी ने छोड़ दिया है तो टॉमी अपने दोस्त को वापस बताने जा रहा है कि यार मैं अभी वापस जा रहा हूँ, मैंने ये काम कर दिया है, अभी मेरे को वो लोग फिर से पार्टी में बुलाएंगे, तुझे भी बुलाएंगे, तू चिंता मत कर। तो यार टॉमी मुझे कह रहा था कि उसे वो जो गाड़ी है वो गाड़ी पसंद नहीं है तो वो अभी एक स्कूटर चलाना चाहता है और ये स्कूटर जो है ये टॉमी का बहुत ही फेवरेट स्कूटर है क्योंकि टॉमी ने जहाँ से आया है वो वहाँ पे ये स्कूटर कभी फेर ही नहीं सकता था क्योंकि लिबर्टी सिटी जो GTA 3 थी उसके अंदर बाइक या तो फिर स्कूटर होते ही नहीं थे। तो टॉमी बहुत ही एक्साइटेड है अभी स्कूटर चला के एंड जस्ट किल इट। ओके यार, तो अभी है ना टॉमी को जो मिशन लेने गया था तो वो मिशन वाले उसके दोस्त ने ऐसा कहा है कि यार जो मेरा एक फ़ोन है वो फ़ोन किसी ने चुरा लिया है तो प्लीज़ तू जाके मेरा फ़ोन वापस ला दे। तो टॉमी अभी अपनी बाइक लेके उस फ़ोन को वापस लेने जा रहा है और यहाँ से हमें दिखेगा कि ये किसने लिया है। तो वो जो सामने शेफ़ दिख रहा है वो शेफ़ अभी एक फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो टॉमी का फ़ोन वो शेफ़ ने ले लिया है और हम ट्राई करेंगे कि हम उसके दूर से ही लेके ले सके फ़ोन और लेकिन नहीं ले पाए तो अभी हमें इस शेफ़ को मारना पड़ेगा और शेफ़ को मारने के बाद हम इससे ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। और अभी ये लोग भी मेरी तरह भगवान की बातें करते हैं, भगवान की लैंग्वेज में बातें करते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रही ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। बट यहाँ पे टॉमी ने बहुत ही आराम से उसे मार दिया है और बहुत ही आराम से मारने के बाद अभी टॉमी ने उसका फ़ोन चुरा लिया है क्योंकि वाइस सिटी एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पे फ़ोन हम खरीद नहीं सकते, हमें किसी को मार के ही उनका फ़ोन लेना पड़ता है। और मैं ये पता नहीं कैरी की कमेंट्री में क्यों घुस रहा हूँ, मुझे कैरी की कमेंट्री नहीं करनी है, मुझे अभी टेक्नो गेमर्स की कमेंट्री करनी है। ओके तो टेक्नो गेमर्स की, तो अभी ये जो व्हाइट कोट वाला इंसान है उसने गाड़ी अपनी पार्क करके रखी है और टॉमी को बोल रहा है कि जल्दी जल्दी भागते हुए मेरी गाड़ी पे चल, मेरी गाड़ी बहुत ही अच्छी है यार, तेरे को चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा और इन लोगों से बचा भी लेगी। तो टॉमी बहुत ही अभी तेज़ी से पहुंच गया और टॉमी को बहुत ही पसंद आ रही है गाड़ी। तो अभी ये लोग है ना बैठ के जा रहे हैं तो देख रहे हो यार आप लोग ये गाड़ी कितनी मस्त है, मतलब कितनी आराम से चलती है गाड़ी और मतलब मेरा एक्सीडेंट भी नहीं होता ये गाड़ी चलाते हुए, भले ही मैं आप लोगों से टेक्नो की तरह बात कर रहा हूँ बट ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है यार। और फिर से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ कैरी जैसे, नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है ऐसा। और यार तो यहाँ पे पहुँच गए हम, बहुत ही पास पहुँच गए यार। और कितना बोलता है यार टेक्नो गेमर। तो यार वेलकम, अभी टॉमी को है ना एक बंदे ने बुलाया है और एक लेजेंडरी मिशन GTA Vice City का कह सके ऐसा एक लेजेंडरी मिशन कंप्लीट करने के लिए टॉमी जा रहा है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इस टेक्नो की तरह वीडियो बनाने में, बट आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा बॉयज, चिंता मत करो तुम। ओके तो यार अभी है ना टॉमी वैन के अंदर बैठा बैठा है, अभी ये हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है छोटे बच्चों की तरह, बट ये अभी है ना 6-7 मिनट के अंदर हमें ये सारी की सारी बिल्डिंग उड़ानी है और बिल्डिंग उड़ाने के लिए बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। लेकिन पता नहीं वाइस सिटी में कैसे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बॉम्ब लेके जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता और पूरी की पूरी बिल्डिंग हम उड़ा सकते हैं। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ और उस डब्बे के ऊपर हमें बॉम्ब गिराना है, डब्बे के ऊपर जाके मैं दबाऊँगा 0
तो ये भी ड्रॉप हो गया बम। अभी पूरा का पूरा हमें हेलीकॉप्टर वापस घुमाना है और वापस बम लेके जाना है, और बम लेके हमें पूरी की पूरी बिल्डिंग की बम उड़ानी है। ओके, तो हम जा रहे हैं यार ये रास्ते को क्रॉस करके एक दूसरा बम लेने के लिए, और ये बम लेके हम पूरा का पूरा बिल्डिंग उड़ा देंगे। मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं और आगे क्या कमेंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी समझ शक्ति खत्म हो गई है। लेकिन नेवर माइंड गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ, बहुत ही तेज़ी से मैं जा रहा हूँ। ओके, तो यार यहाँ पे मैंने है ना हेलीकॉप्टर को गलती से गलत डायरेक्शन में ले आया हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि हेलीकॉप्टर को कहाँ ले जाना था। तो यार अभी हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, तो मुझे नहीं पता यार अभी मैं क्या करूँगा। शायद मुझे है ना GTA 5 से फ्रैंकलिन या फिर माइकल को बुलाना पड़ेगा। और ये कहाँ पे है बम? ओके यार, तो फाइनली मुझे मिल गया है कहाँ पे बम गिराना है, और यहाँ पे मैं उड़ते उड़ते सिंपली बम गिरा दूंगा और बम प्लांट हो गया। और ये सारे लोगों को पता नहीं है कि यार ये लोग इस हेलीकॉप्टर के पीछे पड़े हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो वो वैन के अंदर जाके सिर्फ टॉमी को मार देते तो भी हमारा काम हो जाता, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा और मेरे हेलीकॉप्टर के पीछे पड़े हैं। बट आ जाओ यार, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो बहुत ही अच्छे से हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं। और ये कभी कभी ऐसे ट्रक बीच में आ जाते हैं तो ट्रक के साथ हमारा हेलीकॉप्टर टकरा सकता है, बट नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से टॉमी उड़ाना जानता है हेलीकॉप्टर, तो नहीं टकराएगा हमारा बम। और यार जल्दी से नीचे कमेंट के अंदर कोई काउंट करके लिख दो कि अभी मैंने इसी मिशन में मैंने टोटल कितनी बार बम बोलने लगा हूँ मैं, क्योंकि यार ये बम बोलना बहुत ही वियर्ड लग रहा है मुझे, बट फिर भी यार बोलना पड़ेगा, क्या करे, गंदा है पर कुछ। तो यार जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, वो ऐसे ऐसे नूबड़े लोग होते हैं, वो कभी कभी हमारे हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं, बट हमें उनके ट्राई नहीं, सक्सेस नहीं होने देना है। हम यहाँ पे जाके ये तीसरा बम भी गिरा देंगे, और गिरा के, और पता नहीं क्यों लेकिन ये बम अभी ड्रॉप करना बहुत ही हार्ड हो रहा है धीरे धीरे, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई बात नहीं, आई कैन डू इट। तो यार अभी फाइनल बम लेने के लिए हम जा रहे हैं, और बहुत ही मतलब आसानी से ये मिशन कंप्लीट होने वाला है। हालांकि ये मिशन GTA के वन ऑफ द लेजेंडरी मिशन में काउंट होता है, ये गेम 20 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी ये मिशन अभी तक लोग हार्ड मानते हैं। बट बट यार ये टॉमी जो है, वो टॉमी बहुत ही मतलब प्रो इंसान है यार, तो मतलब उसे बिल्कुल एकदम आराम से ये कंप्लीट कर सकता है मिशन। और यहाँ पे यार ये लोग ऐसे टकरा रहे दीवाल से कि ये दीवाल से टकराते मेरे हेलीकॉप्टर को मार देंगे, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल यार, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से हो रहा है, बस अभी यही 2-3 फ्लोर और। तो यार जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी मैंने है ना उस इंसान को हेलीकॉप्टर के पंख से ही उड़ा दिया। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। और ये अभी फाइनल जगह पे हम जा रहे हैं यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। बिग माफिया की पूरी की पूरी बिल्डिंग हम उड़ाने वाला है। ये बिल्डिंग बाय द वे बिग माफिया की है, जो कि GTA 5 के से GTA VC में आ गया है, और यहाँ पे हमने पूरी पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया है यार। और ये कितने क्रिंजी है कमेंट्री, दिस इज सो क्रिंजी कमेंट्री डूड, ये मेरे फेस मास्क जितना क्रिंजी है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा फेस ये फेस मास्क के बिना आप लोग देखे, तो अभी के अभी 10,000 सब्सक्राइबर से ऊपर करवा दो, 10,000 सब्सक्राइबर के बाद मेरा फेस ही फेस दिखाऊंगा मैं। ओके, तो मिशन कंप्लीट हुआ, और मुझे नहीं लगता मैं इससे ज्यादा टेक्नो गेमर्स की तरह खेल पाऊंगा। हालांकि उसके वीडियो 40-40 मिनट्स के होते हैं, 30 मिनट्स के होते हैं, मतलब घंटे घंटे के वो वीडियो लगता है, बट मेरी ताकत नहीं है यार, मैं नहीं कर सकता। सो समझ लेना कि ये वीडियो 40 मिनट्स का है, टेक्नो गेमर्स रखा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया तो भी लाइक करना, क्योंकि डिसलाइक और गालियाँ नहीं करनी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, यू रिमेंबर दैट वेरी वेल। ओके, तो आई गेस बाय बाय, ऐसा क्रिंजी कंटेंट फिर से हम नज़दीकी भविष्य में नहीं लाएंगे फिर से। और मैं फिर से टेक्नो गेमर्स की तरह बोल रहा हूँ, मेरी स्पीच खराब हो गई, मैं अभी स्पीच ठीक कर रहा हूँ, तब तक बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय।